वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू PraescioEdu होम स्कूलिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे ऑनलाइन जैसे बिजनेस पर्पज़ के लिए, ई लर्निंग के लिए, जिसके बारे में कुछ अगर जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एप्टस EPL करके टेक्स्ट कीजिए, ओके, तो हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। आज हम देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? पेरीमीटर रहता है कोई भी क्लोज शेप, ओके, मतलब सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया। तो कोई भी अगर शेप है तो उसका जो आउटर एज है, ये जो फेस है आउटर, उसकी टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर। ट्रायंगल है तो ये सारे के सारे साइड्स जो है, इन सारे साइड्स की अगर एडिशन करेंगे हम तो उसको कहेंगे पेरीमीटर। सर्कल है तो सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर, ओके, सर्कल के इसमें पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। और बाकी अगर ट्रायंगल से बड़े वाले कोई भी एंगुलर अगर शेप है तो उसके साइड जो आउटर साइड्स, तो उनके सारे के सारे एडिशन मतलब पेरीमीटर होता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्राउंड मतलब क्या होता है? All the sides are equal. Okay, these and these are all equal. Okay, but is it 120 degree? Oh, sorry, 120 meter. So, ये भी हो गया 120 meter. ये भी हो गया 120 meter. What is the length of wire required if it is to be fenced of 5 rounds of wire? Okay, 5 rounds से करना है. Okay, तो सबसे पहले हम इसका addition करके perimeter करेंगे. तो perimeter is equal to all sides addition of all external sides. Okay, so 120 plus 120 और हमें कहा गया है कि 5 round मतलब उसको मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 360 मल्टीप्लाई कर 5 तो 5 0 0 5 6 33 5 3 1 50 3 1 180 मीटर दिया था आपको, तो लास्ट में भी आएगा मीटर में, तो ऑप्शन हो गया 3 1800 मीटर, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर, ओके, तो ये 7 है, 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 ओके। मगर हमें पूछा गया पेरीमीटर तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर में हमें आउटर ही कंसिडर करना है, ओके। 1 2 3 4 5 सो 7 multiplied by 5 = 35 सो 35 यूनिट है सेंटीमीटर, तो यूनिट भी चेक कर लेंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 45 मीटर एंड 15 मीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन? ओके, तो पहले रेक्टेंगुलर ये गार्डन निकाल दिया, छोटी वाली साइड 15 है, बड़ी वाली साइड 45, तो पेरीमीटर कितना हो गया? तो यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 15 आएगा, तो 15 × 2 + 45 × 2 ये तो हो गया 30 + 9 = 2 तो ये हो गया 120 मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 120 इज द करेक्ट। The length and breadth of rectangular ABC, okay, 16 cm. ABC, CD 16 meter, and of course this, ये बड़ा है तो हमें 16 cm ही होगा, ये छोटा है तो 8 cm होगा। यहाँ पर भी देखिए equal part करके divide किया हुआ ये line, तो शायद ये 4 meter होगा। What is the perimeter of each square form? Okay, यहाँ पे square दिया तो of course ये equal आएगा दो में, तो ये 4 ही रहेगा, square दिया तो, okay,
यहाँ पे भी फोर 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 चलो मैं कुछ ज्यादा स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो 4 मीटर व्हाट इज द स्क्वायर फॉर्म ऑफ एनी गिवन पेरिमीटर। ओके तो एक स्क्वायर का हमें पेरिमीटर निकालना है तो 4 4 4 4 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 या तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ओके तो ये तो हो गया 16। तो ये हो गया 16 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये इज द सेम ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फिफ्थ साइड। फिफ्थ साइड ओके हां यहां पे क्वेश्चन मार्क है आपको पेरिमीटर गिवन फिगर इज 30 ओके पेरिमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो चलिए इन इन सब का इक्वल टू 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस क्वेश्चन मार्क तो ये कितना आ गया 30 इज इक्वल टू 14 प्लस 10 24 प्लस क्वेश्चन मार्क सो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब 6 क्वेश्चन मार्क आ गया अपना 6 ओके तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। Use box 5 rounds, okay. Of a square shape regarding okay. Square so all sides are regarding yeah. Having length of the side 200 meter, okay. Each 200 meter. What is the distance it travels, okay. So, subsequently, it's a perimeter. Perimeter is equal to sides multiplied by 4. Okay. 4 is equal to multiply 4 here. Yeah. तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 इनटू 800 विदा 5 राउंड मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो गए 4000 यूनिट मीटर ओके 4000 मीटर अच्छा किलोमीटर ओके सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर ये 4000 है इसका मतलब 4 किलोमीटर ओके ऑप्शन नंबर 4 4 किलोमीटर इज करेक्ट। Find the perimeter of the given closed figure if the side of the length is 6 cm. Okay. Har ek side 6 cm. Ab perimeter nikalna hai. Okay. Count karenge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 okay. So 6 ek side ki length hai matlab 72 cm. So 72 option number 3 is the correct answer. Okay. So aage badhte hain. Perpendicular of rectangular is 60 cm okay perpendicular of rectangular if the width of is 10 then what the length so perimeter okay so 60 is equals to 2 times of b plus 2 times of length okay हमें b दिया मतलब 2 multiplied by 10 plus 2 multiplied by l so ये हो गया 20 60, 20 इधर आएंगे 60 माइनस 20 इक्वल टू 12, 40 इक्वल टू 12, सो L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 20 सेंटीमीटर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The perimeter of the given triangle is 35. What is the length of each of the equal side? Okay, each equal side. ये दो equal sides है। अफकोर्स भी समझ लीजिए इसका लेंथ एल दिया है हमें तो 2l प्लस 5 इज इक्वल टू पेरीमीटर दिया है 35 तो 2l इज इक्वल टू 5 इधर गया माइनस हो गया तो ये 30 सो l इज इक्वल टू 15 ओके सो 15 15 15 है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस रेक्टेंगुलर गार्डन of length 80 meter and width 50 meter with 5 rounds so 5 rounds bhi dena hai to kitna wire nikalna chahiye uska iska matlab pehle perimeter nikalenge ye hoga 80 ye hoga 50 so 80 multiplied by 2 2 matlab ye ab yahan pe bhi kya aayega ab 50 aayega isliye 2 plus 50 multiplied by 2 so 160 plus 100 ye hoga 260 हमें दिया है 5 राउंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 0 0 6 13 मीटर 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 1300 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ओके चलिए ओके बाय।